देश की आजादी के 70 सालों के बाद भी घमेड़ा में कोई भी सरकारी सुविधा नहीं। ये कौन सा विकास है? न सड़क, न पुल और ना ही बिजली। नैनिहाल के भविष्य से खिलवाड़। ये नैनिहाल नहीं, ये देश का भविष्य है। कहाँ है सरकार और कहाँ है प्रशासन? बच्चों की फरियाद सुनो सरकार, हमारे लिए पुल बनवा दो मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री जी, नहीं तो किसी दिन हम बह जाएंगे। ये फरियाद घरियाणा पंचायत के घमेड़ा गांव के नन्हे नन्हे नैनिहाल कर रहे हैं, जो कि जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को विवश हैं। बच्चों का ये वीडियो आजकल सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। यहाँ बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि गांव के लोग पिछले 20 सालों से पुल व सड़क की समस्या से दो चार हो रहे हैं, लेकिन सरकार के किसी भी नुमाइंदे या प्रशासन ने इस गांव की सुध तक नहीं ली। हाँ, चुनावों के समय नेताओं ने यहाँ के लोगों के साथ पुल सड़क बनाने के वायदे जरूर किए हैं, जिसको लेकर यहाँ के लोगों के लिए ना तो कोई सरकार है और ना ही कोई प्रशासन। यहाँ के लोगों का कहना है कि सरकार व प्रशासन से इस गांव के लिए पुल व सड़क बनाने की मांग करते करते वे थक चुके हैं, लिहाजा अब नैनिहालों ने फरियाद की है। शायद नैनिहालों की फरियाद से हमारे राजनेताओं का दिल पसीज जाए। हमारी खड में पानी बहुत है, हम वार पार नहीं टपते, हमारे बच्चे बरसात में अड़ी जाते, आ जो ये पुल पाने चाहिए महाराज। आज सरियाली खंड में इतना पानी होने के बावजूद बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, यहाँ तक कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको हॉस्पिटल पहुँचाना बहुत ही असंभव है, क्योंकि इस गांव में सड़क का बहुत ही अभाव है और ना ही कोई पुल है। हमने 2009 में इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, इसको अब हमने मुख्यमंत्री जी से, MLA जी से और MP जी से सबसे करवाया है, लेकिन किसी ने भी इसके बारे में कोई सुनवाई अभी तक नहीं की है, जिससे ग्रामवासियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। गांव वालों ने मिलकर RTI के माध्यम से 2009 में कराया था, जो वादा दूरा था, और 2016 में हमने पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया था। एक भी वोट वार्ड पंच, प्रधान, उप प्रधान, BDC और जिला परिषद के लिए हम लोगों ने नहीं डाला था। ये सारी सड़क का जिलाधीश के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया था और ये सारा रिकॉर्ड लोक निर्माण विभाग के पास पहुंच चुका है, फिर भी सड़क का निर्माण किसी ने नहीं किया। आज दिन तक कोई सुध नहीं ली। विधायक ने चुनावों के समय वादा किया था कि मैं जीत कर इसी सड़क को बनाऊंगा, लेकिन वो आप जडोता की तरफ ध्यान दे रहे हैं और हमारे इस गांव की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हमारे गाँव में एक लड़का अभी शहीद हुआ और उसके घर तक जाने के लिए रास्ता। एंस्टा न्यूज़ के लिए कांगड़ा से दौलत चौहान की रिपोर्ट।